अमरोहा लोकसभा में चुनावी चर्चा इतनी बढ़ गई है कि नेताओं ने अपना दमखम दिखाना स्टार्ट कर दिया है। अमरोहा लोकसभा में गठबंधन बीएसपी प्रत्याशी कुंवर दानिशअली व भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तांवर व कांग्रेस प्रत्याशी सचिन चौधरी व अन्य निर्दलीय लगभग 15 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया था, जिसमें 4 प्रत्याशियों के नामांकन निर्वाचन आयोग ने खारिज कर दिए हैं। अब टोटल 11 प्रत्याशियों के अभी नामांकन बचे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी कुंवर पाल खड़गवंशी व नवाब अख्तर अली खान निर्दलीय प्रत्याशियों में दोनों ही चर्चाओं में देखे जा रहे हैं। अमरोहा लोकसभा का चुनाव बड़ा रोचक होता जा रहा है, क्योंकि सपा बसपा आरएलडी गठबंधन से कुंवर दानिश अली भी कहीं किसी से कम नजर नहीं आ रहे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर भी अपनी कमान अच्छे से कसे हुए नजर आते हैं। बात अगर कांग्रेस की जाए तो सचिन चौधरी भी अपना दमखम दिखाने में किसी से कम नहीं है, लेकिन देखना यह होगा आने वाले 18 अप्रैल को जनता किसे यहां का सांसद बनाकर दिल्ली भेजती है, यह तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। समर इंडिया के लिए अमरोहा से भरत सिंह की रिपोर्ट। मैं भाई लोगों इसलिए चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मेरे मुद्दे ये है कि बेरोजगारी, किसानों के लिए परेशानी, किसानों के बिजली के बिल डबल हो गए, किसानों के लिए बिजली टाइम पे नहीं पहुंच पाती, तार दर दर है, किसानों को कोई भी तुम देख रहे हो फसल जो सही रेट नहीं मिलती, किसानों की परेशानी है, बेरोजगारी लोगों कितनी है, गरीब लोग कितने परेशान हैं। मैं तो इसलिए चुनाव लड़ रहा हूँ भाई। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही